हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरमन और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोब लाइट की। जी हाँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो एक्सेसरीज के शौकीन हैं। कई लोग एक्सेसरी के तौर पे इसको लगवाते हैं, मगर ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्ट्रोब लाइट लगवानी कितनी ज़रूरी है। ये उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपको अपनी टेल लैंप और हेड लैंप होती है। इससे क्या होता है कि रात के टाइम में जब विजिबिलिटी कम होती है, रात का क्या, इसकी रोशनी तो इतनी है कि डे टाइम में भी आपको ये दिख जाएगी। पीछे आने वाली गाड़ी जो है वो एक अटेंशन ग्रैब करती है कि आगे कोई व्हीकल जा रहा है और मुझे इससे बच के चलना है या फिर इसके साइड से होके निकलना है। और इसका दूसरा फंक्शन जो मैं समझता हूँ आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, वो ये है कि आप इस साइड से ओवरटेक ना करें। इसीलिए जब भी आप स्ट्रोब लाइट अपने किसी भी व्हीकल में लगवाएं, किसी भी मोटरसाइकिल में लगवाएं, तो लेफ्ट साइड पर ही लगवाएं हमेशा। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो इंडिकेशन मिल जाएगी कि आगे कुछ जा रहा है, और दूसरा फ़ायदा उसका ये होगा कि लेफ्ट साइड से कोई भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ये इसके थ्योरेटिकल कारण है, हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो जब भी स्ट्रोब लाइट किसी व्हीकल पे लगी होती है तो उस साइड पे लगी होती है जहां से वो ओवरटेक करने से मना करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको स्ट्रोब लाइट्स के फंक्शंस का पता लग गया होगा। अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इंस्टॉलेशन वीडियो भी ज़रूर दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।